हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं रवा डोसा। इसे आप इंस्टेंट डोसा भी कह सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और आज की इस रेसिपी में मैंने बहुत ही इजी एक चटनी की भी रेसिपी बताई है, जिससे कि जब भी आप ये डोसा बनाए तो फटाफट आप ये चटनी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रवा डोसा की रेसिपी को शुरू करते हैं। रवा या सूजी का डोसा बनाने के लिए मैंने लिया आधा कप सूजी, बारीक वाली सूजी यूज़ करें। आधा कप हम चावल का आटा लेंगे, जितना हम सूजी यूज़ करेंगे उतना ही आटा यूज़ करें। एक चौथाई कप मैदा ले लेंगे, मतलब आधा का आधा हम मैदा यूज़ करेंगे। एक छोटा चम्मच यहाँ पे जीरा लिया है मैंने। सब्जियों में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ शिमला मिर्च, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक इंच अदरक ऐसे बारीक काट लें, थोड़ा सा करी पत्ता, यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और एक छोटा प्याज लिया है, इसे भी बारीक काट लिया है। तेल हमें चाहिए डोसा बनाने के लिए, तो 4 से 5 चम्मच तेल यूज़ करें। नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें ये सारी चीज़ें डाल देंगे। तो ये सूजी डाल दिया मैंने, चावल का आटा, मैदा डाल दें, इसके बाद हम इसमें ये जीरा डाल देंगे और फिर सारी सब्जियाँ डाल दें। आप चाहे तो इसमें गाजर को घिस करके यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर ये सारी सब्जियाँ मैंने डाल दी, मिला देंगे इसे। नमक हम बाद में यूज़ करेंगे, पानी डालने के बाद नमक डालें ताकि आपको अंदाज़ा सही लगे। तो यहाँ पे पहले 1 कप के करीब पानी डालती हूँ मैं, मिला देंगे इसे। हमें इस डोसे का जो बैटर है वो बहुत ही पतला बनाना है, तो पहले इसे मिला दें, इसके बाद वापस हम पानी डालेंगे। तो अब हम इसमें वापस 1 कप पानी डालेंगे। ये देखिए, पहले मैंने इसे मिला लिया, उसके बाद वापस 1 कप पानी डाल दिया मैंने। तो आधा कप सूजी, आधा कप चावल का आटा, 1/4 कप मैदा के लिए मैंने यहाँ पे अभी 2 कप पानी यूज़ किया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, तो स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक यूज़ करें, मिला दें सबको। अब हम इस बैटर को ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी जो है वो थोड़ा सा फूल जाए। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर, 6 लहसुन, लाल मिर्च पाउडर और नमक लिया है। बहुत ही बेसिक टमाटर की चटनी बनाऊंगी मैं। ग्राइंडिंग जार में मैं ये टमाटर डाल देती हूँ, लहसुन डाल देती हूँ, नमक डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे। आप चाहे तो इसकी जगह सूखा लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है, जो कि कलरफुल होता है और तीखा कम होता है। तो हम बिना पानी डाले इसे ब्लेंड कर लेंगे, इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। तो ये हमारी फटाफट वाली चटनी रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो चटनी अपने पसंद की इसमें बना सकते हैं। अब हम चलते हैं डोसा बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमारा बैटर जो है वो फूल गया है, तो इसे एक बार ऐसे मिला दें। सूजी फूलने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, वापस इसमें पानी डालेंगे। तो ये देखिए, इसकी थिकनेस बढ़ गई है, तो वापस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएं। इसका जो बैटर है वो छाछ की तरह कोशिश करें बनाने के लिए। तो ये हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। मैं चलती हूँ गैस की तरफ। तो गैस ऑन करके तवा गर्म होने के लिए रखा है। तो यहाँ पे ये डोसे का बैटर बहुत ज़्यादा था, मैंने आधा निकाल लिया है ताकि मैं इसे ठीक से पकड़ सकूँ। तो यहाँ पे नीचे का बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, वापस थोड़ा सा पानी मिलाती हूँ मैं। तो बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए, देखिए। अब हम क्या करेंगे, पहले तवे को ऐसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये ब्रश से मैं लगा देती हूँ, आप चाहे तो स्पून से लगा के उसके बाद टिश्यू पेपर से पोंछ लें। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, गैस का फ्लेम लो मीडियम कर दें और उसके बाद हम इसमें बैटर डालेंगे। तो डोसा बनाने का ये जो प्रोसेस है, ये देखिए, ऐसे किनारों पे पहले डालें। इस डोसे को बनाने के लिए अगर पॉसिबल है तो ऐसे बॉर्डर वाला तवा यूज़ करें, उससे क्या होगा, शेप अच्छा आएगा इसका। तो किनारों में बैटर डाल के और ऐसे सेंटर में स्प्रिंकल कर दें, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और किनारों पे और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल कर देंगे। तो ऐसे किनारों पे और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल कर दें और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट तक पकने देंगे। जैसे ही डोसा पकना शुरू हो जाएगा, इसके किनारों पे और ऐसे सेंटर में जाले पड़ने लगेंगे, ये देखिए। तो थोड़ा सा जब इसके किनारों पे और ये जालों के अंदर ब्राउन लेयर दिखने लगे, तब हम इसे पलट देंगे या फिर ऐसे स्पैचुला से ऐसे फोल्ड करके देखें। तो अभी तक ये पका नहीं है, क्रिस्पी नहीं हुआ है, तो इसे थोड़ा सा और पका देंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो डोसा जो है वो तुरंत ब्राउन हो जाएगा और ऊपर से पकेगा नहीं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएँ। और यहाँ पर ये डोसा जो है वो पक गया है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ इस प्लेट में। तो ये हमारा एक डोसा बनके तैयार हो गया, ये देखिए, परफेक्ट जालीदार और क्रिस्पी है। तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ और वापस एक डोसा बनाती हूँ। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है पहले से। बैटर को हम एक बार मिक्स करेंगे, अगर गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, किनारों पर पहले तवे पर ऐसे डाल दें, उसके बाद सेंटर में ऊपर से ऐसे डालें, तो ये खुद ही जाला बनना शुरू हो जाएगा।
बस मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे और इसके किनारों पे और ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल कर देंगे। और जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा आप देखेंगे कि इसके ऊपर ये देखिए गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और इसके बाद ये जाला पड़ना शुरू हो गया है, मतलब डोसा हमारा अब पकना शुरू हो गया है। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये ब्राउन लेयर दिखने लगी है सेंटर में और किनारों पे। तो बस हमारा डोसा जो है वो पक गया है। वापस एक फाइनल चेकिंग जो है वो स्पैचुला से करेंगे फोल्ड करते वक्त कि अगर ये फोल्ड होते वक्त क्रिस्पी दिख रहा है मतलब पक गया है। तो यहाँ पे मैं इसे फोल्ड कर देती हूँ और ये हमारा दूसरा डोसा भी बनके तैयार हो गया है। गैस को ऑफ किया मैंने। तो रवा डोसा में बैटर की कंसिस्टेंसी और तवे पे उसे कैसे स्प्रेड किया जाए वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए एकदम जालीदार क्रिस्पी डोसा तैयार हो गया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।